जिवी मैं कह रहा हैं, आज जिवी मैं कह रहा हैं कि अलायंस इन्हां दा तय हो गया है, अनाउंसमेंट होनी बाकी है। कल सुनील कुमार जाखड़ जी का यह बयान सी कि इहदे उत्ते हाईकमांड ने विचार करना है। अज उन्होंने ये गल कहती होनी है क्योंकि हो सकता है नैगोशिएट ना हो रहा हो सकता है बीजेपी वाले हजे विधानसभा की गल कर रहे, पार्लीमेंट वाली गल हो चुकी है क्योंकि अकाली दल मेरा ख्याल सुनिया सीगा भी वध सीटा मंगदा है लेकिन विधानसभा च, लेकिन बीजेपी नूं इस गल ते सहमति नहीं है। वह कहते भी अद अद की लड़ाई लड़ांगे विधानसभा दे विच भी, पर 100% इन्हां दा समझौता ऑलरेडी है। 9 मास का रिश्ता थोड़े सामने राजनाथ सिंह जी ने आके इत्थे बादल साहब दे जिहड़ियां गल्लां कीतियां, और उन्होंने भी कहा कि 9 मास का इन्हां दा साडा रिश्ता रहा है। और जिस प्रकार का दिल्ली के अंदर भी हुण भी तुसीं देखिया होना है, मैडम हरसिमरत कौर जी जिस मकान दे विच रहिंदे वो जिहड़ा बैंगलोर है वो भी 8 कैटागरी है, यानी कि कैबिनेट रैंक का बैंगलोर एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट को है, अदरवाइज तो राहुल गांधी तो भी कम घर छुड़ा लिया गया। सो तुसीं देखिया होना कि इन्होंने राष्ट्रपति की वोट भी जो पैण का मौका आया तो इन्होंने NDA के हक च ही खड़े हुए। सो ऑलमोस्ट तय है, लेकिन रस्मी ऐलान कई मजबूरियां हैं, मजबूरियां यह ने पंजाब का किसानी अंदोलन, पंजाब का किसान देख रहा है कि इन्होंने अस्तीफा दिता सी। पंजाब के लोग तो पहले ही कहते रले है जान बुझ के अस्तीफा दिता है। बंदी सिखा का मामला हजे उठे का उठे खड़ा है, जिहड़ी ये मांग करते जिहड़े बादल साहब ने उत्थे गीत भी गा के आए थे जंतर मंत्र से भी इन्हों मुद्दों का भी की करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी दलजीत चीमा ते अकाल तख्त साढ़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने कुछ होर कहा है, यह सारिया चीजा है, लेकिन अंदर अंदर जी आपस में जोड़ा तालमेल है वो मुकम्मल इन्हों का हो चुके हैं। Subscribe to One India channel and never miss an update.